सच सिर्फ हम दिखाते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट बैंक की भूखी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खिलाड़ियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ऋतु सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जितेंद्र सिंह को भूखी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खिलाड़ियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट बैंक की भूखी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खिलाड़ियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जो देश का गौरव और देश के लिए मेडल जीत करके अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत की उन्होंने साख बढ़ाई है, उनके इतने गंभीर यौन शोषण के आरोप है और उनके अंदर भी कभी जात धर्म ढूंढ रही है, कहीं प्रदेश ढूंढ रही है, कभी क्षेत्र ढूंढ रही है, उसमें भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इतनी गिरावट आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने नहीं करी होगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल तो इन बेटियों ने जीता है। और ये कहते हैं कि एक ही खाने के पहलवान है, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उकसाए लोग हैं। हमें तो याद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जब कांग्रेस ने अत्याचार किया तो हमने जब भी विरोध किया था। देश की बेटियां जात धर्म प्रदेश राज्य सबसे ऊपर उठ करके होती है, लेकिन उन्होंने वोट, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जनता के सुख दुख से इनका कोई लेना देना नहीं, इनको 24 घंटे सिर्फ चुनाव की प्लानिंग, चुनाव की राजनीति, चुनाव की कूटनीति, उसके लिए चाहे। देश की बेटियां कितनी शर्म की बात है, वो कोई नौकरी नहीं मांगने के लिए वहां बैठी, वो कोई प्लाट मांगने के लिए वहां नहीं बैठी, वो ये कह रही है कि हमारे साथ जो यौन शोषण हो रहा है उस पर कार्रवाई कर दो। और देश के प्रधानमंत्री देश का गार्डियन होता है, उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला, कम से कम ये कह देते खिलाड़ी झूठे हैं, खिलाड़ी गलत बैठे हैं। देश का प्रधानमंत्री ने और बीजेपी सरकार ने पॉलिसी बना ली, कोई भी कांड हो, कोई भी स्कैंडल हो, उस पर ना तो एक्शन लो ना बोल लो, अपने आप स्कैंडल नहीं होगा। इन्होंने पॉलिसी बना रखी, इनका कंसेप्ट है ये, चाहे पुलवामा हो, चाहे अडानी मामला हो, चाहे हरियाणा में धान घोटाला हो, चाहे सुभाष बराला के पुत्र द्वारा आईएएस की लड़की छेड़ने का मामला हो, चाहे टानी मिश्रा का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, कोई मामला हो, इस सरकार ने पॉलिसी बना ली, ना बोलो ना एक्शन लो। जूनियर महिला कोच पे भी हमला किया गया था, उसके परिवार ने भी कहा, एक जूनियर महिला कोच ने हरियाणा सरकार के मंत्री पर आरोप लगाए, चंडीगढ़ पुलिस ने पर्चा दर्ज कर रखा है, चंडीगढ़ पुलिस को संदिग्ध मान करके कोर्ट में अर्जी लगाई, चंडीगढ़ पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट की, लेकिन मनोहर लाल खट्टर आज भी ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में सुशोभित किया हुआ है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? और पानीपत की भूमि से हमने सर्व जातीय जन पंचायत में आज ये प्रदर्शन इसलिए किया कि पानीपत की भूमि से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ड्रामा, मैं तो ड्रामा कहूंगा, ड्रामा किया था। इन्होंने संवेदनशीलता नहीं है बेटियों के प्रति, अगर संवेदनशीलता होती तो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां आज एक हफ्ते से ज्यादा समय पर जंतर मंतर में बैठ करके आंसू नहीं रो रही होती। खिलाड़ियों ने ट्विटर से मोदी की फोटो हटा दिया, कहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों नहीं, वो तो सारे देश की जनता में जन आक्रोश है। और मैं तो बीजेपी के लोगों से भी अपील करूंगा, जिनके अंदर नैतिकता बची है, जिनके अंदर अगर देश के प्रति जज्बा बचा है, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस कुर्ते के खिलाफ अपनी पार्टी को धिक्कारे, अपने नेताओं को धिक्कारे और इन महिला पहलवानों के साथ खड़े हों।